करीब 3 मीटर लंबी ये गुफाएं भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे आती हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में है और लगभग 1000 साल पुरानी है। यहाँ पे बौद्ध और जैन भिक्षुकों के अवशेष मिले हैं, जिनको कि अनंतपुर म्यूजियम में रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत गुफाएं हैं ये। इसके नीचे पाताल गंगा भी है, जो मेन एंट्रेंस से 150 फीट नीचे है, और पानी कहाँ गायब हो जाता है किसी को नहीं पता चलता है। अपने मुकुट संभाल के जाएं, नहीं तो मुकुट पे बहुत जोर बहुत झटका लगेगा। जोर का झटका धीरे से लगेगा। ओ जय माता दी। ऑटोमेटिकली आ जाता है ना रेखा। हाँ हाँ ओके, ये हमको लग रहा है अचानक वैष्णो देवी पहुंच गया है, जो उनका पुराना रास्ता था। मैंने सुना है वैसे पाताल भुवनेश्वर पहुंच गए। हाँ सच बोल, ऐसे ही लग रहा है। यस इवन आई आल्सो फील यस। उत्तराखंड। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आ गया आ गया, लाइट आ गया, यहाँ पे लाइट है। थैंक्स। पानी खोने की जरूरत नहीं है, बहुत कम देर के लिए ये है, और थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाइए तो नो प्रॉब्लम। अब हम लोग फिर से आ गए हैं वाइड एरिया में। लुक्स नाइस ब्यूटीफुल, माय माय वाव लवली। एक्चुअली लग रहा है कि बंगाल के कोई दुर्गा पूजा का पंडाल हो या महाराष्ट्र का गणपति पंडाल हो, इसी टाइप का कुछ बनाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, क्या चैलेंजिंग। अच्छा दिस वे इज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि रॉक्स के ऊपर नीचे सब जगह कूद फांद के हम लोग को चलना है। सो बी केयरफुल, लंबे आर्म भी एकदम सर झुका झुका के चले, नहीं तो सर पे चोट लगने वाला। अभी थोड़ा सा स्पेस मिला है चलने का, तो आराम से चला जा सकता है। एंड सामने भी फिर से नैरो आने वाला है, सो बी केयरफुल। अपने अपने मुकुट संभाल के और चरण संभाल के चलना, चरण और भी टूटेगा, चरण भी टूटेंगे। बी केयरफुल ऑल गर्ल्स, हॉट गर्ल्स एंड कूल गाइस। सो बी केयरफुल ऑल हॉट गर्ल्स एंड कूल गाइस। बेलम गुफाएं आंध्र प्रदेश में हैं, जो कि अब बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी हैं, और ये भारतवर्ष की दूसरी सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में आती हैं। हम लोग मुंबई से एक ट्रिप बना के चले थे, बहुत बड़ा ग्रुप था हमारा, और इसके बाद जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है तड़ीपात्री, वहाँ पे उतर के हम लोगों ने बस किया, और बस से हम लोग देखिए बस एंटर अब कर ही रहे हैं। करीब 2.5 घंटे का रास्ता था तड़ीपात्री स्टेशन से, और हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, गाड़ी हमारी लग चुकी है, सारे धीरे धीरे उतर रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं बेलम केव्स के मेन एंट्रेंस के पास। वहाँ पे हमें सब इकट्ठे होना है, और हमारा ग्रुप जो है डार्क ग्रीन एडवेंचर, उसके जो एडमिन है कृष्णा, वो आगे आगे हैं टिकट लेने के लिए। टिकट है यहाँ पे, और मैं पीछे पीछे हूँ, ग्रुप भी सारे पीछे पीछे हैं। ये देखिए टिकट घर है, यहाँ से हमें टिकट लेनी है। तो कृष्णा टिकट ले चुके हैं, और हमारा ग्रुप आगे बढ़ चुका है मेन एंट्रेंस की तरफ। ये है हमारा मेन एंट्रेंस, टिकट घर के बाएं साइड से आपको रास्ता दिखेगा, और यहाँ देखिए एंट्रेंस लिखा है, और फिर हमें बाएं मुड़ जाना है, मतलब लेफ्ट मुड़ जाना है। यहाँ पे बहुत बड़ा सर्कल बना हुआ है, आप बैठ के आराम से देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अपने सारे टिकट्स आने का। बेलम केव्स की कुछ वार्निंग के होर्डिंग लगे हुए थे यहाँ पे, बोर्ड लगा हुआ था बड़ा सा, जैसे कि खाने की चीज़ें नहीं ले जानी है, स्मोकिंग नॉट अलाउड। कोई बताओ भाई इसके बारे में हिस्ट्री। अच्छा है, इसकी ज्यादा हिस्ट्री तो मालूम नहीं है, अभी हम अंदर जाएंगे फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या है। ओके अच्छा, यू कैन टेल। जा रहे हैं अभी। ओह गुड गुड, वेरी मच एक्साइटेड टू सी दैट।
ग्रेट। सो व्हाट अबाउट, अच्छा तुम पहली बार जा रहे हो? हाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। थोड़ा रीडिंग की थी। देयर आर लाइक 7 गुड प्लेसेस टू विजिट ओवर हियर। सो वन इज लाइक अ म्यूजिकल हॉल, देन देयर इज लाइक अ सम काइंड ऑफ अ मंडप एंड सम अदर प्लेसेस एंड एग्जैक्टली याद नहीं, बट इट्स अ लॉन्गेस्ट केव। रियली? लेट्स सी। इट्स लाइक 3000 समथिंग समथिंग। ओके। मीटर डीप। किलोमीटर नहीं यार। स्टैलेक्टाइट का केव है। हां एंड द हॉल पिलर्स आर आल्सो ऑफ स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेक्टाइट, वो नेचुरली फॉर्मेशन से उन्होंने they have carved it out. So it's pretty interesting. Okay. Let's see what's there. Right. Thank and you. And there are Jain and Buddhist things as well. Thank you. हाय गाइज, ये मेन एंट्रेंस है बेलम केव के भीतर जाने का, और इसमें जाके नीचे 150 फीट नीचे तक जाएंगे जहाँ पाताल गंगा है, और सारा घूम के आपको वीडियो मैं दिखाई चुकी हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना कमेंट यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और एक बार ज़रूर आइएगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, और बहुत बड़े ग्रुप के साथ आए हैं तो हमें बहुत मज़ा भी आ रहा है। वाओ ब्यूटिफुल, क्या इरोजन शेप है यार, लवली। गाइस एक मिनट सज्जन, प्लीज मेरी बात सुनो। आप लास्ट खेलो उधर, सी ही इज अवर गाइड, ठीक है? मैंने श्रीनिवास, ये यहाँ पे गाइड ना प्रॉपरली बताएंगे आपको, शायद मैं ना बता पाऊंगा कि इसका फॉर्म हुआ वगैरह, तो आप लोग है ना एक इनके संग रहने की कोशिश करो इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर, ठीक है? और यहाँ पे अंदर केव्स में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ये भी एक रीजन है कि ग्रुप के साथ रहो, मेंटेन सम स्पिरिट, और ये बहुत अच्छी फोटोग्राफी करने की जगह। आई एग्री, रिटर्न आ जाओगे ना तो यहाँ पे जितना पेड भर के फोटोग्राफी कर लेना, बहुत काम होगा। अच्छा, ठीक है। और अंदर सो सारे इंस्ट्रक्शन सुन के हम लोग ग्रुप के साथ साथ चले, कोई कोई रुक के फोटोग्राफ्स भी करवा था, फोटोशूट भी चल रही थी, मेरा वीडियो शूट भी चल रहा था। काफ़ी लंबी गुफा है, पूरी गुफा अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत जगह से ये टूट चुकी है, खतरनाक है। कुछ ही दूरी तक टूरिस्ट जा सकते हैं, फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह हम लोग देखने वाले हैं। बीच बीच में गाइड हमें रुक रुक के सारी चीज़ें भी दिखाते जा रहा था, और हम लोग चुपचाप उसे सुनकर उसका फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे हम लोग भीतर की तरफ जा रहे थे, सांस में कठिनाइयाँ हो रही थी, लेकिन आप आराम से चलिए, पैनिक मत होइए, आराम से इनहेल एक्सहेल करते चलिए, और थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे साथ काफ़ी एजेड लोग भी थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बस पैनिक नहीं होना है, आराम से चलना है, जगह जगह एग्जॉस्ट भी लगा है। माया टेम्पल, नेम कॉल इज माया टेम्पल बिकॉज बहुत तरह तरह के यहाँ पे शेप्स नज़र आ रहे हैं, लाइक लैंडस्केप्स केव्स में जैसे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, जैसे लगा किसी के हाथों से नक्काशी की गई हो। बहुत ही खूबसूरत जगह जिसको माया टेम्पल के नाम से ये लोग पुकारते हैं, माया टेम्पल। और यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई में जगह है, आप करीब 10-15 आदमी आराम से खड़े हो सकते हो, और यहाँ पे एयर के लिए भी पाइप लगा हुआ है ताकि एयर सर्कुलेट करते जाए, सफोकेटिंग ना हो। क्वाइट रिस्की बट सीम्स वेरी वंडरफुल, इट लुक्स लाइक अ ट्रेजर आइलैंड। ओ गॉड, इतना अंधेरा है, चलना मुश्किल है, गिरे तो बस हड्डी पसली, एक कोई लेके जा भी नहीं पाएगा भारी भरकम शरीर को। Hi. Your name is? Koti Lingalu. And about this vehicle's parking area, this one. Achha, iske upar hi parking area hai. 90 feet so, below the ground level. Ah, lovely. Stalactite formations of ultra swelling at type of view. It is uncontrolled formations na. You call this name Koti Lingalu. Koti Linga. Yes. Bolo fir se aap. Yes. Koti Linga. Koti Lingalu. This is the shortcut rasta. Okay. After completing this, you can come by like this, but it is not proper, so they suggest you okay. पहले का ये शॉर्टकट रास्ता है पाताल गंगा जाने का, लेकिन अभी ये चूंकि कंडीशन में नहीं है, टूट सकता है, तो दूसरे ऑप्शन में दूसरे साइड से हम लोग जाएंगे, एक और रास्ता है।
जो थोड़ा सा लंबा है। अब देख सकते हैं कितनी डेप्थ है इसमें पाताल गंगा जाने के लिए। लोहे की सीढ़ी है ये पाताल गंगा। बट बी केयरफुल व्हेन वी यू विल कमिंग हियर, इज वेरी स्लीपरी एंड वेरी नैरो। बी केयरफुल अबाउट योर हेड ऑल्सो, वेरी गुड डेप्थ फॉर वॉटर। और वॉटर इज अ ग्रे वॉटर बट वेरी क्लियर, आई कैन सी अंडर स्टोन ऑल्सो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे।